अपन आज पापा को पूरे 1 लाख रुपए गिफ्ट देंगे ऐसा सरप्राइज के रूप में। ये भैया लोहार की दुकान पे रखवा रहे हैं, लोहारों से कहीं हमारी डैश तो उड़ाने नहीं जा रहे हैं। ऊपर ऊपर चलना ऊपर। तो अब है गिफ्ट की बारी, तो गिफ्ट ऐसे तो देंगे नहीं अपन। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का हमारे पहले व्लॉग में जो कि डेली व्लॉग का डे 1 होने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता डेली व्लॉग में, बट जो जो जैसे जैसे चलेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा कि क्या क्या किया जाएगा आज के दिन। ये गाइस कैप्टन बॉय बोलो सुबह केसरी। ये सिर्फ गाइस क्या बताऊं इसके बारे में, तो आप लोग को बहुत ही मेहनती बंदा है, अभी कुछ कर ही रहे होंगे, बहुत मेहनत वाला ही काम कर रहे होंगे। ओ लड़कियां देख रहे हैं, ये शर्म नहीं आता है। सॉरी गाइस, ये सेटअप रूम है। मतलब सेटअप क्या, मतलब बहुत टाइम से मैंने गाइस कुछ किया नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मैंने गेमिंग वगैरह अभी बहुत टाइम से, मेरे को लगभग 2-3 हफ्ते हो गया अभी, इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपन लोग स्ट्रीमिंग वगैरह वीडियोज वगैरह करते हैं। ये हमारे गाइस कैप्टन का बेड है, इसकी हालत देखो, कुत्ते जैसी जिंदगी हो रखी है कैप्टन। और जो ये जगह है ना गाइस, तुम्हें लग रहा होगा कि ये वो है, पर ये गाइस ये पूरा रेंट है, इसलिए यहाँ पे चीजें थोड़ी बिखरी बिखरी आपको देखने को मिलेगी। और ये देख के तुम ये मत सोचना कि इसमें कैप्टन के कपड़े हैं तो कैप्टन यहाँ सोता है, नहीं यहाँ मैं सोता हूँ। अब और बोलूंगा तो रो पड़ूंगा। ये तो मालिक है, ये यहाँ सोता है, मेरा रूम हड़पा इसने है। कैप्टन बता तू कहाँ सोता है, ये बता। अच्छा है, इधर सोता है ये। सोचो गाइस तुम्हें इतना हम्बल यूट्यूबर नहीं मिलेगा, भयंकर 7 लाखों के मैं यहाँ सो रहा हूँ, यहाँ ये देखो, ये देखो, डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ चारपाई में। और ये देखो ये 1 महीने से यहाँ सो रहा है मेरे बेड पे और खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। तुम ये देखो गाइस, ये कौन है, ये यहाँ पे कौन डिजर्व करता है सोना, झूठ बंदा। गाइस मैं तुम्हें रात को सुबह रात को 1 बजे चुपके से व्लॉग बनाऊं। चलो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी इधर आओ, मम्मी आप कैप्टन सोता है, झूठ बोला है, यही राज जमा रहा है, बताओ। और ये सब झूठ बोल रहा है, झूठ। ये है गाइस मेरी मम्मी, कभी मैं उधर सोता हूँ और कभी मैं मम्मी के साथ सोता हूँ यहाँ पे, झूठ बोलता है, VIP ट्रीटमेंट ले रहा है। अच्छा मम्मी को तो इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया, सुनो 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 गाइस, ये रही हमारी मातेश्री, घर की जो मालकिन है यहाँ पे। ओहो ये भी गाइस, ये भी, ये दूसरी मालकिन यही है, मतलब पहले इनकी चलती है, और तीसरा फिर ये है, ये पता नहीं कैसा बॉस है। नवाबों की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, नवाबों की। उसको लग रहा है कि दवाई लगा रहे, दिखाना। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ रोक्षी, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मुझे काट के मुझे काट लाया तेरी तो। अभी होगा पता है, अभी ये जिम निकाल दी ना इसके, इसको पकड़ो, काटती है, अरे मेरे से संभलती नहीं है पता है। ये देखो रुक जा, जिम निकाल दी, रोक दी जिम, हाँ अभी अभी देखना अभी। अरे कैसे कर रहा है भाई तू, हट, वह हद है यार उस बेचारी को, काटती कितना तेज काट रही हो भाई। तो अब इसके लिए ये कुछ नहीं है, तुम लोग को लग रहा है हम टॉर्चर कर रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं है। हाँ ये तो है, ये गाइस बहुत भैंसी है, इस पे दया आएगी क्योंकि इसका चेहरा सिर्फ भोला है, बाकी ये लोमड़ी आया मजा काट रही है, बहुत तेज काटती है ये, बहुत शैतान है। मतलब अगर आपने गाइस कोई भी लेबरा देखा हो ना, लेबरा डॉग अगर कोई भी देखा होगा तो मैं लिख के ले सकता हूँ, इतनी चंट इतनी शैतान कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं। क्या पकड़ा, गली के वो जंगली कुत्ते नहीं होते, जैसे क्या बोलते जंगली, मतलब जैसे गलत वे में मत लेना, जंगली मतलब इन द सेंस जो बहुत फुर्तीले होते हैं, तेज तड़ाक होते हैं, वैसी है ये मतलब लेबरा जैसे होते हैं ना, सीधे से इन्हें चोरी कर लेगा कोई, ये इसे कोई चोरी तो दूर की, वैसे कोई वो भी नहीं कर सकता भाई, गुंडी है गुंडी पूरी, तमीज से बात करने का। ये किसी कुत्ते से नहीं डरती, मतलब अगर बाहर 3-4 कुत्ते भी मिल जाएंगे ना, उन तीनों पे अटैक कर देगी, ऐसी है ये, लड़ने नहीं जाती है खेलने जाती है। मम्मी बहुत रोस्ट कर रहा है ये। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर नवरात्रों के आज दूसरा दिन है तो उसकी फटाफट से आरती वारती करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो सरप्राइज है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। और उसको देखो
इसे देखो, इसे देखो। ये गाइस आपको लग रहा होगा ये इसका मतलब लग रहा होगा ये एक्टिंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, पर गाइस ये ऐसे ही पड़ा रहता है, निकम्मे नाकारा। ये रोज का इसका, सुबह उठता है, खाता है, हगता है, रील देखता है, मतलब हगता भी रील देखते देखते है। ये जिंदा है, किसी का देखो ये जिंदा है। अच्छा तेरी लाइफ, तू खुद जेन्युइनली बता मुझे, सच बता कि तू यहाँ आया है, तेरी लाइफ क्या है, मतलब क्या लाइफ साइकिल जो तू क्या करता है, सुबह से उठ के तू शाम तक क्या करता है? साले गरीब, तू मुझसे पूछेगा? नाजिम ये मुझसे पूछेगा मैं क्या करता हूँ? तो क्या करते हैं? सुबह उठता हूँ मैं, सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग पे जाता हूँ। यस यस यस, हाँ वो रनिंग मारता हूँ, स्प्रिंट मारता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर रखता हूँ, फिर थोड़ा एडिटिंग का काम करता हूँ। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? थोड़ा एडिटिंग का काम करता हूँ। जो फनी फनी ब्लॉग देखते हो ना वो सब एडिटेड बाय मी है। मैं बता रहा हूँ गाइस, सुबह उठता है ये नरूटो स्टार्ट करता है, रात तक नरूटो देखता है, रील देखता है, मन भर जाता है तो रील देखता है, फिर सो जाता है। ये गाइस ये, पर गाइस लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बस इसके पास करने को काम नहीं है, नहीं तो मेहनती बहुत है ये। आप लोगों ने देखा होगा गाइस व्लॉग में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कैप्टन भाई का ही रहता है। धन्यवाद। अरे नहीं गाइस सही में मजाक से हटके, ये अगर कोई काम नहीं करता है तो उसके पीछे रीजन यही है कि ये मरीज है, ये जो इतनी सारी दवाइयां है ना गाइस ये इनकी वजह से, बस ये बस यहाँ पे अगर बैठा भी है ना ये भी बहुत बड़ा है इसके लिए, इसे दवाई खिला खिला के हम लोग थोड़ा थोड़ा व्लॉग में आता है। बट गाइस वैसे बहुत मेहनत है लड़का, बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। एक लाइक और सब्सक्राइब कर देगा जी। नहीं नहीं कैप्टन को जैसे उठाओ ना सुबह में। ओ कैप्टन, कैप्टन हां जी, चलो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूँ। गाइस ये देखो तुम, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है मेरी, कमजोर बॉडी पर, लेकिन गाइस मेरे पे शेप है बस, लेकिन देखो अगर मैं जिम जाऊंगा ना तो एकदम वो आएगी, मतलब एकदम कड़क वाली बॉडी आएगी, मेरे बॉडी में ना ऐसा फैट बहुत कम है। बाकी अभी जिम मैंने छोड़ दिया, पहले 6 महीने में मैंने गेन किया था 10 किलो, अब उसके बाद में पूरा ये दुबला पतला जो होगा ना ये हड्डियां आ रखी है जो, ये उसके बाद फिर बैठ गई है। पर जब इसमें जिम करूंगा ना मेरे को बस 6 महीने अगर प्रॉपर मिल जाए तो मेरी फिर बॉडी अलग ही निखर के आएगी। क्यों कैप्टन क्या लगता है, अगर मैं 6 महीने करूँ जिम तो मेरी आएगी बॉडी? इतना मैच कर लो मेरे ज्यादा खतरनाक नहीं बनेगी। तेरा पता फायदा क्या है, तेरी हाइट के हिसाब से तेरी ज्यादा आएगा, मेरा जो जैसे स्किन टोन है ना जैसे स्किन टोन वगैरह जो मेरी स्किन की ना लेयर बहुत पतली है तो मेरी बॉडी इतनी आसान नहीं है बननी है, मतलब आसान मतलब मैं कुछ भी खाऊंगा ना तो मेरे को एकदम वो लगता नहीं है इतनी आसानी से। तो गाइस अभी नहा धो के पूजा वगैरह वाला जो पार्ट था वो मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट दिखाया बिकॉज उसका इतना वो नहीं है, समझ रहे हो, वो जहाँ पे फन एलिमेंट होगा मैं आपको खुद ही दिखा दूंगा। बाकी ये बनाया अभी मम्मी ने, खाना पकौड़े, ये मम्मी ने क्या बनाया देखते हैं। पकौड़े खाओ, मम्मी ने बनाए पकौड़े, ये बन रही है, ये बन रही हमारी पकौड़े, अच्छी बन रही है, मैंने खाया ना, ट्राई किया, कैसा लग रहा है आपको खाने में, कैसा टेस्ट आ रहा है? कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ, कुत्ते की मूवी देख रहा हूँ। अबे इसमें भी कुत्ता, ये भी कुत्ती, डॉगी। लक्षी को भी दे दे यार, एक खा चुकी है, उसको मैंने खिलाया ढेर सारा अभी। लक्षी खा ले, ये देखो कैसे हो रहा है लक्षी, उसको ज्यादा ऑयली वैसे देना नहीं चाहिए, पता है थोड़ा सा ये ना टेस्ट वो वाली कुत्ती है, वो डॉगी है क्या बोलते हैं जो इसको टेस्ट पसंद है, तो इसको हम हर चीज थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाते हैं, मेंढक चूहे सांप जो मिल जाए ये गाइस सब सही में सब कुछ खाती है, मेंढक भी खा लेती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीच में जब हमारे यहाँ घोंसले बने थे ना हमने चिड़िया पाली थी तो ये चिड़िया भी खा गई, पहले इसने चिड़िया खाई फिर इसने मेंढक भी खा गया, मतलब मैंने आज तक कोई ऐसा कुत्ता ही देखा जो मेंढक खाता है, इसने वो भी खाया है, ये सांप को भी चौमिंग समझ के खा जाएगी। बोलू है हमारे नक्शी, बहुत बोलू बेबी है, बहुत बोलू। मैं अभी आप लोग को थोड़ा खा के एक बार रिव्यू देता हूँ कि कैसा बना है। पकौड़े और केचप, इसका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, चटनी भी अच्छी लगती है, पर मम्मी को क्या इतना परेशान करना, नहीं तो चटनी हो जाती तो। अभी बेसिकली अपन लोग जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या सरप्राइज देने वाले हैं, वो सरप्राइज ऐसा है कि अपन आज पापा को पूरे 1,00,000 रुपए गिफ्ट देंगे ऐसा सरप्राइज के रूप में। कहाँ से है पैसे? अब उसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को, मेरे पापा ने लगभग 5 से 6 लाख का लोन लिया है मकान बनाने में, और ये मेरे पापा इतने वो है क्या बोलते हैं नूब टाइप के है कि ये गांव की जो छोटी छोटी जमीन नहीं है जो बिल्कुल सस्ते में बिक जाती है, गांव की जमीन आपको पता ही है कैसी दूर है ना,
ये बेच रहे हैं, एक एक लाख में बेच रहे हैं, 1,20,000 में। नहीं वो ऐसे जाते हैं, दूर है ना वो, दूर है, पर स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि जमीन बेचनी नहीं चाहिए। पर अपन लोग बहुत टाइम से गाइस मैं सेव कर रहा था, सेविंग वगैरह रखी थी, और कुछ मेरे को मेरे पे अभी थोड़े पैसे भी आए थे, तो वैसे तो मैं सोचा था कुछ दिन बाद देने का, बट अभी ये पहला व्लॉग है तो मैंने सोचा कुछ सरप्राइज इसी में दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं और मम्मी 1,00,000 रुपए पापा को देंगे, और फिर उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रहता है। और हो सकते हैं बाबू कितने? अरे यार मेरे पापा के साथ पता मेरे को ऐसा लगता है शायद वो रिएक्शन अच्छा दे ना दे, क्योंकि क्या है ना मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो अब मैं ऐसे दूंगा ना, और मैं एक्सपेक्टेशन करूँ पापा कुछ अच्छा रिएक्शन दे, भाई कुछ अच्छा बोले, यार बच्चों को तो बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। मेरे पापा ऐसे लेंगे और भी हो जाएगा क्या अगले 1-2 महीने के, बट जितना मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पहले दिए हैं, तो भयंकर मैं सोचता था कुछ रिएक्शन देंगे, थोड़ी तारीफ करेंगे, कुछ कुछ नहीं। यार बाबू मुझे देता तो मुझे बहुत खुशी होती, बहुत खुशी मुझे। हाँ, अरे मम्मी का भी दिखाता ना मैं, मम्मी के लिए तो अपन कर ही रहे जुगाड़। देखो मम्मी के लिए भी मम्मी की स्कूटी इसके अंदर, इसके अंदर भी मैंने जमा कर रखे है, काफी हद तक जमा होने वाले हैं, तो इसमें जब पूरा जमा हो जाएगा तब ये फूटेगा। अभी दिक्कत क्या है ना, इसमें पैसे डालने इसलिए कम हो गए क्योंकि अभी हमारा घर का काम चल रहा है, नया घर बन रहा है, तो उसमें पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, तो सारे हमारे पापा के देखो ना मम्मी की स्कूटी का डल हो गया है। ये गायब होने लग गया, कलर फीका हो गया, कलर फीका पड़ता था, फीका नहीं पाना चाहिए, चमकना चाहिए यार। थोड़ा भी पहले पापा की करी जाए मदद, उसके बाद इसमें भी डालेंगे। इसको पापा ने फीका कर दिया, पापा थोड़े आगे आ चुके हैं इसके लिए, तो ये इसमें भी करेंगे यार। ये मेन बात क्या है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्यादा रखता हूँ। कितने हो गए होंगे इसको बाद में होगा, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 20 तक के होगा इस पे, नहीं ज्यादा ही होंगे, मैंने बोला 10-12 तो मैंने अलग ही रखे हुए थे इसके स्टार्टिंग से, और सोचो उसके बाद मैंने खुद इसमें 500 भी डाले, मैंने बीच में 1-3 दिन 4-5 भी डाले थे, तो गए इसमें। एक प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास ज्यादातर ऑनलाइन रहता है पैसे, तो अभी हम जुगाड़ करते हैं, बाहर जाते हैं, पता करते हैं कि कैश कैसे निकाल पाए, क्योंकि ऑनलाइन में रिएक्शन मुझे लग नहीं रहा पापा को देंगे भी। अब कैश रहेंगे ना तो पापा शायद थोड़ी ज्यादा खुश हो, या मतलब एक देखने लायक भी रहेगा ना रिएक्शन। ऑनलाइन करूंगा तो मैं पापा ऐसे बोलेंगे, अच्छा दे दिए, चलो ठीक है हो गया। हाँ पापा बोलेंगे टाइल्स के लिए तो कर पाऊंगा ना, टाइल्स के लिए होगा, कितने 1,00,000 देखते हैं कि क्या क्या बोलेंगे, मतलब बहुत नॉर्मली बोलेंगे मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब ऐसे बोलने तो ऑनलाइन दे देता, फिर बोलेंगे टैक्स लेने जाना, चलो टैक्स ही काम आ जाएंगे, चलो देखते हैं। ठीक है अभी अपन अपनी हाईबूसा में जा रहे गाइस, बजाज हाईचूसा में। ये देखो आया चूसा, हाईचूसा में दो चूसा आम नहीं गाइस, अभी हम जा रहे हैं, मेरे पास ना कैश नहीं है, तो मैं एक बार पूछता हूँ कहीं यहीं पे कहीं जुगाड़ हो जाए कैश का, क्योंकि ऑनलाइन मेरे पे पेमेंट है, तो देखते कहाँ हो पाता है। दुकान पे एक भैया है जान पहचान के, उनसे पूछ लेते हैं, बाकी ATM से तो लिमिट होती है कि इतने निकाल सकते हो आप लोग ना, ट्राई कर लेते एक बार, पर देखते हैं मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो और कुछ जुगाड़ किया जाएगा। यार गाइस हो चुका है 50,000 रुपए का जुगाड़ है, हमारे जो ठेकेदार है वो उनको उनको कैश की जरूरत थी और हमें ऑनलाइन की, नहीं मतलब ऑनलाइन हमें कैश की जरूरत थी और उनको ऑनलाइन की, तो अभी वो जा रहे आगे वही जुगाड़ करवा रहे हैं, वो देखो जा रहे। और मजे की बात पता है क्या है, एक बार कैमरा घुमा जा रहा है, मजे की बात है मैंने 50,000 रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, अब मान के पीछे जा रहे हैं, सोच मान लो अगर ये भाग भी गए तो हम क्या करते हैं, अब कहाँ देखेंगे, वो वाला नहीं याद आ जाएगा, पकड़ पकड़ भगा दे इसकी, सर इसे जब पता है वो वाला मुझे सर इसे जब पता है ये पकड़ा जाएगा, मस्ती देखो यार मैं अपनी खूबसूरती को रिकॉर्ड कर लूँगा। अरे सचिन भाई जरा सोचो, हम लोग जा तो रहे इनके पीछे, अब मुझे पता चला वहाँ फोन करके बोल ले रहा हूँ कि दो चूतिया लेके आ रहा हूँ, 10-15 लौंडे तैयार रख ला, 50,000 आ गया तो हिम्मत दिखवाना। अबे हाँ भी हो भी सकते हैं, हमने पेमेंट तो कर दिया एडवांस, भैया हमें ले जा दिया रहे अपने पीछे पीछे, हमें जा रहे वहाँ पता चला 4-5 मतलब होता है ना 10-15 मुस्टंडे खड़े कर रखे हो, मारो बचाना को आक्रमण। अरे मेरी बॉडी काफी है एक बार स्टार्ट का बटन खोल, वैसे मेरा होगा नहीं क्योंकि ये हमारा काम करवा रहे हैं घर का, बट लेकिन ऐसा डर तो लगता है यार, चला स्टोरी स्टोरी है भैया, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये भैया लोहार की दुकान पे रखवा रहे हैं, लोहारों से कहीं हमारी डैश तोड़वाना नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर चलना है ऊपर, क्योंकि तो हेरा फेरी वाला सीन लग रहा है मुझे, हेरा फेरी वाला सीन। हाँ भाई वो पतली वाली गली से जा रहे हैं, अभी अंधेरा आ जाएगा देखना, यहाँ पे अंधेरा भी है भाई। थैंक यू थैंक यू।
फिर गाइस जैसा हम लोग खयाली वो खयाली पुलाव पका रहे थे, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से हो गया। पैसा हमने दे दिया, उन्होंने दे दिया, भैया ने बल्कि 10,000 एक्स्ट्रा ही दिया, भैया को कैप्टन पसंद आ गया था। गिनो ये, मेरे को गिनने नहीं आ रहे थे प्रॉपर। हम गिनते हैं, हम गिनने में बहुत माहिर हैं। गाइस अभी 50,000 का अरेंजमेंट हो चुका है, अभी अपने को 50 और करने हैं। तो गाइस फाइनली टोटल अपने पास 1,00,000 रुपीज हो चुके हैं, ठीक है। 50 वो भैया ने जुगाड़ कराया और 50 मकान मालिक भैया ने करवा दिए, ठीक है। तो अपने पास हो चुका है कैश, तो अब है गिफ्ट की बारी। तो गिफ्ट ऐसे तो देंगे नहीं अपन, अपन लोग सोच रहे हैं कि ऐसा चॉकलेट के बॉक्स पड़ा था अपने पास, उसके अंदर अपन डालेंगे इसे, ठीक है। ये दो चॉकलेट ऐसे डाल देते हैं शगुन के तौर पे, ताकि ऊपर ऊपर लगे कि कुछ और है, फिर अंदर देखा जाए तो हो कुछ अलग ही है। अभी यहाँ से गड्डी दिख रही है, ऐसे देंगे ना ऐसे साइड में, ये लीजिए पापा जी आपके लिए गिफ्ट है, रखो। पापा खोलेंगे और खोलते ही क्या कैप्टन भाई, क्या रिएक्शन रहेगा तेरे हिसाब से? एक करोड़ नहीं है, एक लाख है। मैंने गाइस तो अभी पापा आने वाले हैं लगभग, क्योंकि मेरे पापा जो है वो हरिद्वार में जॉब करते हैं, वो बीच बीच में इधर आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान का काम चलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में विजिट्स मारते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि कैसा चल रहा है काम। और यहाँ से हरिद्वार है लगभग 1 घंटे का रास्ता, तो लगभग अभी आने वाले ही होंगे। तो गाइस मेरे को पापा का कॉल आया अभी कि लेने आ जा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके मेरे को पापा को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पापा को लेके आते हैं, देन ये रही चाबी, और चाबी देखते कैसे देखना है चलेगी मेरे साथ, देखो चला जा रक्सी, चल चल अभी देखो हॉर्न बजाऊंगा ना, हॉर्न बजते ही गाड़ी में बैठ जा, ये देखो है कि नहीं, समझदार तो है मम्मी, एकदम बैठ जाती है गाड़ी में, कह रही चलो चलो जनाब। फाइनली अपन यहाँ पे पहुँच तो गए है ना, और ये रॉक्सू डॉन वेट करती है पापा का। रॉक्सू वो देख पापा आ गए, वो देखो वो देख आगे, ये रहे ये है गाइस मेरे पापा। तो गाइस अरे हम आपके लिए यार कुछ लाए थे पापा गिफ्ट, तुम्हारे कुछ गिफ्ट लाए हैं यार, तुम्हारे का हां ले के अजय बाबू तुम्हारे लिए लाए, सेम लाए कि नहीं होते गिफ्ट? यस खड़े तो हो जाओ, तुम पर पड़ के गिफ्ट ले रहे हो, लाइट तो आया लड़का लाया तुम्हारे लिए, सतर्क सावधान, खोलो भाई चॉकलेट आराम से, कैलिफोर्निया से मंगाई मैंने। अच्छा कैलिफोर्निया, हां झूठ बात मत बोलो ना, नहीं भाई खोलो जी कितना है ये बताइए, अंदाजा लगाइए, कैसा लगा ये हाथ में इतने पैसे दे, बहुत अच्छा लगा, कहाँ पे कहाँ पे लगा, अच्छा ये बताओ कहाँ पे, मतलब यहीं पे लगा, कहाँ दिल से अच्छा लगा या दिल से अच्छा लगा, खाली मुँह से अच्छा लगा, मुँह से नहीं दिल से लगा, बेटे ने कमाया है इसीलिए अच्छा लगा। और तो गाइस आप लोगों ने रिएक्शन देख लिया होगा, कैसा लगा आपको बताना, और ये था हमारा डेली व्लॉग का जो कंटेंट था ये था। डेली व्लॉग डालने हैं या नहीं डालने वो आप लोग बताना, आपको पसंद आया कि नहीं आया। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि डेली व्लॉग में थोड़ा फन एलिमेंट थोड़ा कम हो सकता है, मतलब एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग बताना कि अगर आपको अच्छा लगता है तो हम डाल देंगे डेली व्लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो बहुत फनी व्लॉग्स होंगे जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ भाई भले ही वो डेली व्लॉग है पर मुझे लगेगा कि हाँ भाई इसमें फनी फन एलिमेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको मेन चैनल पर डाल दूँ, और जो मुझे लगेगा डिसेंट और लाइफ रूटीन वाला कॉन्टेंट है वो अपन जो हमारा सेकंड चैनल है उस पे डाले। और थर्ड चीज ये कि गाइस आप लोग को पता होगा मेरे चैनल पे भी जो वीडियोस वगैरह आ रही है, मतलब समझ जाओ आप लोग, ठीक है, उस पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एंड आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, ठीक है। अपना डिसीजन आपको ही पता, लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, मैं थोड़ा मजबूर था तो मैंने किया है, तो मेरी मजबूरी चल रही है, तो थोड़ा उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, पहले से ही बोल देता हूँ कि थोड़ा अभी टाइम मेरा वैसा चल रहा है तो मैं कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब से नहीं बन रहा है, कुछ भी इनकम नहीं बन रहा है, समझ रहे हो आप लोग, और बहुत टाइम से ऐसा हुआ है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा और थोड़ा माफ भी कर देना, ठीक है। तो इस वाले डेली व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी आप बताना कि कैसे रखना है, डेली व्लॉग रखना है या बाहर घूमने वाला कॉन्टेंट रखना है, जैसा भी आपको पसंद होगा, ठीक है।